अशोक सुंदरी, भाई चाहिए था ना तुम्हें, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। शक्ति के तन और शिव के मन से उत्पन्न होगा तुम्हारा भाई, उत्पन्न होगा तुम्हारा भाई, उत्पन्न होगा तुम्हारा भाई, उत्पन्न होगा तुम्हारा भाई। जहां हो वही प्रतीक्षा करो अशोक सुंदरी। की प्रतीक्षा करूंगी, मेरा एक और भाई आने वाला है, मेरा परिवार पूर्ण हो जाएगा। कार्तिकेय भैया आप सज हो जाइए, भैया आप तो खेला छोड़कर आना ही होगा। कर्तव्य निर्वाहन के लिए हमें अमरनाथ जाना होगा देवी। कौन से कर्तव्य के लिए महादेव? पुत्र प्राप्ति के लिए। आप इन दोनों पक्षों का आधार बन जाइए देवी, इन दोनों को जोड़ दीजिए। उसके आने का आभास मुझे अभी से प्रसन्न कर रहा है। मेरा भाई आएगा। बात है नंदी, अकस्मात वातावरण इतना सुखद कैसे हो गया? हृदय बहुत प्रसन्न है
नाचने गाने का मन कर रहा है। हाँ नंदी जी, ऐसा क्या दिव्य घटित होने वाला है सृष्टि में? प्रसन्न तो मैं भी हूँ, किंतु इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रणाम महादेव। महादेव, अकस्मात प्रकृति इतनी खिल क्यों उठी? मन में इतनी खुशी क्यों है? इसका उत्तर साक्षात प्रकृति स्वरूप। आदि शक्ति से पूछो। नंदी जी। महादेव, देवी अब तक स्नान नहीं करके आई? नहीं महादेव, अशोक सुंदरी आई थी और माता के पास चली गई। नंदी, कार्तिकेय के विषय में कोई समाचार? मैंने पूछा किंतु उन्होंने कुछ बताया नहीं। कदाचित माता को बताया होगा। उचित है, मैं देवी से मिलकर आता हूं। अजाने स्नान में इतना समय क्यों लग गया? माँ, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। माँ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रकृति की देवी आदि शक्ति स्वरूपा पार्वती इस संपूर्ण प्रकृति से अपना और महादेव का पुत्र मांगती हूँ। अपना और महादेव का पुत्र मांगती हूँ। अपना और महादेव का पुत्र मांगती हूँ। ॐ नमः शिवाय।